गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिटिंग एंड ब्लॉग में। मैंने इससे पहला वाला वीडियो में आपको बता दिया था कि जो मैं इसके बाद ब्लॉग का काम शुरू करूंगा, और आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं जा रहा हूं फोटोशूट पर जगह को। कैसे कैसे फोटोशूट होता है हमारे पटोरी लेकर हमें बनिया है, एक नंदनी का गुनिया एक प्लेस है, लोकेशन है, वहाँ पर जाऊँगा, ठीक है। और फोटो देखना भाई तो इंस्टाग्राम नीचे दिखा दिया, वीडियो के लिंक में जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं सीधा डायरेक्ट बाजार में, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर साइकिल है, ये वाला साइकिल है, इसी साइकिल से जाऊँगा। कैमरा वैमरा सब आदमी पहुँचा हुआ है बाजार में, तो मैं चाहता हूँ बाजार भाई हम लोग तो निकल रहे हैं साइकिल से, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है भाई। और मैंने अपने मोबाइल को इसी ट्राइपॉड में लगा दिया है, और देख सकते हो भाई गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है भाई। और मेरे घर से लगभग ये अराउंड 7 से 8 किलोमीटर दूर है फोटोशूट का लोकेशन। और ये भी बताऊंगा भाई कि भाई कहाँ पर मैंने लगाया है कैमरा, बड़ा दिक्कत से लगाया है। मैंने जो ट्राइपॉड लिया था भाई वो सक्सेस नहीं हुआ, और हैंड्स में ही लगाना पड़ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। और अभी मैंने हैंडल के पास ये कैमरा लगा रखा है, और ये कैमरा मेरा ही मोबाइल का है, और ये माइक मैंने लगा रखा है। उसके बाद मैंने पीछे साइकिल के पीछे स्टैंड पर कैमरा रखा हूँ। अभी कंधा पर नहीं टांगा क्योंकि भाई वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेरे साथ एक और भाई हैं, तो उनको देख लीजिए, मेरे साथ ही एक और भाई जा रहे हैं मेरे साथ ही। जैसा कि एक समझ के है कि पटोरी में ये मेन रोड हुआ, पटोरी में ही हम लोग फोटोशूट के लिए जा रहे हैं। पटोरी में लोकेशन आपको बताए थे, और आपको आना होगा अगर पटोरी में है, आपको लोकेशन पता नहीं है तो नंदनी लगुनिया एक बढ़िया लोकेशन है फोटोशूट के लिए। तो हम लोग जनरली जब भी जाते हैं तो नंदनी लगुनिया ही जाते हैं, नहीं तो हमारा पटोरी स्टेशन है वहीं पर जाते हैं, वहाँ पर लोकेशन बहुत काफ़ी अच्छा आता है। और भाई आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ भाई। तो एक बार आपको पीछे का लुक दिखाना पड़ता है। सो गाइस ये मेरा पीछे का लुक है, और ये मेरे भाई जा रहे हैं साथ में, और ये देख सकते हैं कि ये मेरा साइकिल है, साइकिल से हम जा रहे हैं। और अभी मैंने कैमरा को हाथ में पकड़ के रखा है, और मैं जा ही रहा हूँ। अभी ये बहादुर पटोरी आए हैं, देख सकते हैं, और अराउंड यहाँ से अभी 5 किलोमीटर अभी और बचा है। मेरे साथ और भी सारे बंदे थे जो अभी फ़ोटोशूट के लिए आएंगे, वो थोड़ा था देर में बाद आएंगे। सो फ्रेंड्स हम लोग अभी बीच रोड में अभी रुक गए हैं, क्योंकि साइकिल चलाते चलाते पूरा हालत ख़राब हो गया। और भाई का हालत देखो भाई पूरा पसीना से भीग चुके हैं अभी। और यहाँ पर बगल में कोई कॉल उल का भी नहीं व्यवस्था है भाई, बीच रोड में मेन रोड पर है, कॉल भी नहीं मिल सकता। तो बीच में हम लोग थोड़ा देर के लिए रुक गए हैं, क्योंकि भाई थोड़ा सा रेस्ट कर लो, रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा फिर चलेंगे। और अराउंड अभी 2 किलोमीटर बचा हुआ है, और लगभग हम 5 किलोमीटर तो चल चुके हैं, और 2 किलोमीटर बचा हुआ है, तो 2 किलोमीटर भी पहुँच ही जाएंगे। बीच में हम लोग रुके हुए हैं तो ठीक है, तो फिर क्या है भाई, शूट पर आकर मिलते हैं आपसे, थोड़ा देर हम लोग भी रेस्ट कर लेते हैं। और बाकी का बंदा अभी आ रहा है, अभी तो नहीं आ रहा है। तो भाई मेन रोड देख सकते हो काफ़ी, मतलब कि यहाँ पर गाड़ी चलते हुए रहता है, समझे ना। तो वेट करते हैं उन लोग का जब आ जाएंगे, उसके बाद वहाँ से निकलेंगे यहाँ से और शूट पर जाएंगे डायरेक्ट। तो लोकेशन पर आपसे मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए यार लोकेशन पर, और कैसे कसके भाई दुकान मिला, वहाँ से एक बोतल पानी लिए, और थोड़ा सा अभी चैन आया तो भाई हम भी पानी पी लेते हैं भाई, बहुत मुश्किलों से। तो आपको लोकेशन भी दिखाएंगे कैसा है लोकेशन, ठीक है, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। अब पीछे देखिए भाई, यही मेरा लोकेशन है, ठीक है ना। और इधर भी देख लीजिए, ये मेरा लोकेशन है भाई, यहाँ पर आप देखिए। नहीं फ़ोटो आपको इससे अच्छा नहीं बुझा रहा है, लेकिन आप मेरा इंस्टाग्राम पर चेक कीजिएगा, लेकिन आपको यूट्यूब पर भी दिखाएंगे फ़ोटो कैसे कैसा आता है। और हमारा जो बंदा जो साथ में और आने वाला था वो अभी आ ही रहा है, शायद आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक नहीं पहुँचा है, हम लोग बहुत आगे निकल रहे थे। और देखिए पीछे मेरा साइकिल लगा हुआ है, और आपको दिखाएंगे हमारे पास कौन सा कैमरा, वो सारा चीज़ दिखाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा
रेडी हो जाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा पूरा गंदा उंदा हो चुके हैं, थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, उसके बाद आपसे मिल। सो फ्रेंड्स, आपको मैं अपना कैमरा दिखाता हूँ। हमारे पास है कैनन का 200D। हम आज कैनन का 200D लेके आते हैं। तो मैक्सिमम हम लोग जाते हैं तो ऐसे 7000 ले लेते हैं, लेकिन आज हमारे पास है कैनन का 200D और इसी से फ़ोटोशूट करेंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो कि ये हमारा कैमरा है कैनन का 200D और 1855 किट लेंस लगा हुआ है, 1855 किट लेंस और फ्लिप डिस्प्ले, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो हम लोग थोड़ा सा रेडी इसको करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। आपको भाई चला रहे हैं कैमरा, ठीक है। तो बगल में देख लीजिए आप, उधर पोज मार रहे हैं वो भाई, पोज मार रहे हैं और यहाँ पर हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको हम फोटो खींच लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। इधर तो गाइस, शूट करते करते बहुत ज़्यादा समय हो गया है और निकलने का टाइम भी हो गया है। तो एक बार दिखाता हूँ कितना धीरे धीरे बहुत सारे लड़के आ चुके हैं, बहुत सारे। तो देखो भाई पीछे पीछे देखो, देख लो भाई पीछे, मतलब काफ़ी बंदे। हम कैमरा दे दिए उसको, बोले कि जब तुम ही लोग शूट करो, हम थोड़ा देर रेस्ट करते हैं। तो कैमरा बाद में फिर दूसरा कैमरा मंगवाए, 70-300 लेंस मंगवाए, उसके बाद शूट हो रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ से निकलने का प्लान है, तो निकलने हैं, निकलते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। यार अभी लोकेशन पर आके सब चुक फोटो वोटो खिंचवा लिए हैं और मैं थोड़ा सा गेटअप चेंज कर लिया हूँ, इस पर मैं फोटो अभी खिंचवाऊंगा। तो इसका फोटो आपको इंस्टाग्राम पर देखिएगा, काफ़ी बवाल आने वाला है, ठीक है, तो आप जरूर देखिएगा इसको। तो ठीक है, मैं फोटो खिंचाता हूँ। सो गाइस, हम लोग काफ़ी मतलब आधा घंटा पल ऊपर हो गया और अराउंड अभी 4 बज रहा है और अभी तक शूट कर रहे हैं। और हमने अभी मतलब कि ये काफ़ी अच्छा जगह देखा है, पीछे देख लीजिए, और हमारा भाई लोग उधर हैं अभी, तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। और ये लोकेशन बहुत अच्छा है भाई, मतलब कि देखते हैं ना कि एक शूट होता है तो आप कर खाना ना, चाहे कुछ भी जगह पर जाइए, या फिर जहाँ पर बहुत सारा पेड़ पौधा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर पत्ता वत्ता बहुत अच्छा है। तो हमको लगा कि भाई यहाँ पर हमारा फोटो काफ़ी अच्छा आएगा। आपको अगर फोटो देखना हो तो फोटो आप जाकर इंस्टाग्राम, मेरा है तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी दिखा दिया होगा, उसके बाद लिंक में जाइएगा तो आपको इंस्टाग्राम आईडी दिखाई देगा, उससे आप देख सकते हैं, वहाँ पर हम जितना भी फोटो होता है उसको पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर शूट करते हैं, देखते हैं कैसा फोटो आता है। तो हम भाई कैमरा को किधरों रख देते हैं, ठीक है।
सो फ्रेंड्स, हमारा शूट कंप्लीट हो चुका है। अभी लगभग 5 बज रहा है और हम लोग आए थे 12 बजे, तो जोड़ सकते हो भाई 5 घंटा लग गया शूट कंप्लीट करने में। लेकिन भाई फोटो काफ़ी अच्छा मतलब खिंचाया भाई, क्या कहें, क्लिक बहुत अच्छा हुआ। फर्स्ट शूट था, शूट नहीं फर्स्ट ब्लॉग था, सॉरी भाई बोलने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। और पीछे मेरा अभी गाड़ी है, एक बंदा आया था गाड़ी लेके, जो भाई बोले थे कि अभी तक नहीं लेके आया है। तो बस अब यहाँ से निकलने वाले हैं और देख लीजिए ये लोकेशन है, यही लोकेशन पर हम लोग फोटो शूट किए थे। लगभग यहाँ से 4-5 घंटा तक यहीं पर रहें, कुछ देर रहें, खाए पिए सब चेक करें, उसके बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, तो भाई अब हम लोग यहाँ से निकल रहे, चलो भाई चल ले। सो फ्रेंड्स, यार हम लोग बैठ रहे हैं गाड़ी पर, अब यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं। तो यहाँ आगे देख लीजिए, तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा फोटो शूट भी हुआ और भाई लोग भी बहुत खुश हुए और फ़ोटो भी काफ़ी अच्छा क्लिक हुआ, जिसे मैं आपको बोल रहा था। ठीक है, तो हम लोग मतलब कुछ बंदे साइकिल से गए हैं, कुछ बंदे बाइक से। अभी तो मेरा दोस्त ये है, तो ये बाइक से आया था, बोला मैंने फ़ोन करके बोला तो भाई आकर थोड़ा सा पिक कर लो हमको, जब हम लोग साइकिल से हैं। और हुआ क्या कि हम लोग मतलब फ़ोटो शूट कर रहे थे और हम लोग की यहाँ का एक मतलब आ रहा था समस्तीपुर इधर से पिकअप लेके, तो हम लोग ने किया क्या, जो उसका वीडियो तो आपको नहीं दिखाया, लेकिन उस पर ये जो हम लोग का जितना भी साइकिल था, 4-5 साइकिल था, सारा का सारा मैंने पिकअप में रख दिया और बोले कि जब पेट्रोल स्टेशन पर जाकर डायरेक्ट उतार मिलेगा हम लोग वहाँ से चलाएंगे। हम लोग साइकिल को तो पेट्रोल स्टेशन पहुँच गया, हम लोग बाइक से जा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कि भाई वो कहाँ गया, थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि साइकिल ले रहा है कि नहीं। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं घर और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और रात के लगभग अभी 7-7:30 बज रहा है, रात के 7:30 बज गया और लगभग 5 घंटा लग गया फोटोशूट में, और फोटोशूट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, काफ़ी पसंद आई होगी। और पटोरी का फोटोशूट आपने देखा, जो लोग पटोरी में, जो लोग बिहार के, जो लोग समस्तीपुर के होंगे, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा भाई। ठीक है, धीरे धीरे हम भी बहुत मेहनत करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पास।